मीना जी आपको आपसे स्टार्ट करेंगे। कौन से कैमरा में? लुक कैमरा। ओके, आई थिंक आपने कुछ क्लिपिंग अंदर से क्लिप देख कर आया था, आप बताइए। एपिसोड देखा है कुछ? आप हां तो बताइए कि क्या कितना पसंद आया आपको लव स्लीप क्रिपी। I love how he says it, so cute. पसंद आ गया आपको? बस यही कहूँगा कि इट्स वेरी यूथ बेस्ड, यू नो, यूथ को बहुत पसंद आएगा। मिलेनियल्स जो है, जो आज की तारीख में, उनको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज इट्स अबाउट देम, उनकी कहानियाँ हैं। यू नो, जब आप बड़े हो जाते हो, यू नो, व्हेन यू मूव फ्रॉम बीइंग अ टीनेजर टू अ मैन, तो वो जो राह आप तय करते हैं वो कैसा होता है, तो इट्स ऑल अबाउट दोज थिंग्स जो यू नो जो वेरी रिलेटेबल है, जो हमारे जो यू नो ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं, तो इट्स वेरी स्वीट, फनी, इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली फॉर द मिलेनियल्स। फर्स्ट एपिसोड देखा? हाँ, नहीं, थर्ड एपिसोड में उनके दर्शन। मैं थर्ड में हूँ। ओके, सो बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, लव स्लीप रिपीट? आपको देख के बोलूँ? एक्चुअली बहुत अच्छा है जो टेरेंस ने कहा, इट्स अ शो फॉर मिलेनियल्स। और एक्चुअली व्हेन आई वाज वाचिंग इट, आई वेंट बैक अ लिटिल बिट इन टाइम, जब मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज किड्स के लिए है। और यू एक्चुअली थिंक ऑफ ऑल द, जो भी हमने स्टूपिड हरकतें, इनोसेंट स्टूपिड हरकतें की होती हैं कॉलेज में, वो याद आती हैं। और यू लुक बैक एंड आई एम लाइक, शिट, या कॉलेज में ऐसे हम बेवकूफ़ हरकतें करते थे। सो इट्स वेरी रिलेटेबल। It's like प्यार का पंचनामा, you know how it is? वैसा वाला है, वो वाला feel है। It's very relatable and then you look at it and you also think कि यार shit, life में थोड़ा बड़े हो गए हैं, थोड़ा mature हो गए हैं, ये सब हरकतें पीछे छोड़ दी। मैं भी बच्चा हूँ। दिल से तो बच्चे हैं, पर दाढ़ी white हो गई, लेकिन फिर भी दिल बच्चा है, दिल तो बच्चा है। पर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बोली थी कि अब जैसे इतना किसी के लिए इतना गलेबल नहीं है, इतना किसी के लिए अभी इतना इजी नहीं है कि हमें किसी इतना कुछ चीट करे या स्कैम करे। वो बचपन में ये सब कॉलेज वगैरह में बहुत हुआ है, लोग बहुत चीट करते हैं, इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं, तो अब थोड़ा लगता है कि शायद अब थोड़ा सेंसिबल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं, वो एक दौर आता है जब आप यू नो वो लाइफ यू मूव ऑन, एक फेज आ जाता है, आप वो फेज में कर लेते हो, बट आफ्टर अ पॉइंट यू फील किया ये हो गया, देख लिया, फील कर लिया, समझ लिया, अब इससे आगे जाना है। एंड वी ऑल गो अहेड। आई थिंक नोबडी वेट्स, जो स्टक हो जाते हैं उनके लिए मैं बुरा फील करता हूँ, बिकॉज हर टाइम के साथ बदलना चाहिए, एज के साथ बदलना चाहिए। आप जिंदा तो नहीं रख सकते हो, यू कैन, दिल में बच्चा होना बहुत जरूरी है, लेकिन बचपना नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है। तो इट्स सेम थिंग। यार जिस तरीके से आपने बोला लव स्लीप रिपीट, मतलब आपके मन में बहुत विचार चल रहे हैं। मैं वो थॉट बबल देखना चाहता हूँ कि क्या आपने सोचा था उसके बारे में, बताएंगे कुछ आपका क्या आंसर है? लव स्लीप रिपीट, इसमें से दो ही चॉइस है ना, लव एंड स्लीप। लव के साथ स्लीप करो तो और अच्छा होगा। आई फील लाइक यार ये बहुत अच्छा है लव स्लीप रिपीट, इसमें अगर ईट भी डाल दें बीच में कहीं, आई लव ईटिंग, एंड रिपीट। हाँ, होपफुली ही इज डायरेक्टिंग समथिंग। नहीं नहीं, यू नो, खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फ़र्क होता है, तो जब तक वो होता नहीं है ना, चुपचाप बैठो, जब होगा अपने आप वो आ जाएगा। एंड या अब वो पक रहा है, पकने दो उसे, फिर वो अपने आप, उसका एक रस अपने आप वो सामने आ जाएगा, जो भी है। पकेंगे लेकिन पकाएंगे नहीं। जॉनर इज ड्रामा, इट्स अ डांस ड्रामा, लेकिन बहुत ही रिश्तों के बारे में, गहरे रिश्तों के बारे में। बहुत सारे लाइफ में हम सिचुएशंस में जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि क्यों हम रिपीट करते हैं हमारे पैटर्न्स, जो हमारे जो रिश्ते होते हैं, हम शायद उनकी सिर्फ नाम और यू नो फेस बदल जाते हैं, लेकिन वही पर्सनालिटी
फिर से हमारी ज़िंदगी में आती है, कहीं ना कहीं हम रिपीट करते रहते हैं, और जब तक हम वो पैटर्न को नहीं बदलेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई नया नहीं आएगा. सो इट्स अबाउट ब्रेकिंग पैटर्न्स. बचपन में जो हुआ, जो जो कड़वाहट शायद रह गई है, वो आज की तारीख में हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं वो एक कैंसर बन के हमारे रिश्ते को खा रही है. तो वो क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी. तो इट्स ऑल अबाउट ऑल ऑफ दैट. सो इट्स थोड़ा डीप, थोड़ा इंटेंस. बहुत इंटेंस है. ब्रेकिंग न्यूज़, यू हर्ड इट फर्स्ट हियर. और ये डांस के माध्यम से बोला जाएगा, लेकिन डांस के माध्यम से अलग माध्यम से बोला जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ऐसी फिल्म बनाऊँ डांस के साथ जहाँ पे लव्स ही ना हो. लव्स बिना लिरिक्स के, सिर्फ डांस के ज़रिए वो जो बात है वो आपको समझ में आनी चाहिए. तो वो कोशिश है, देखते हैं कैसा चलता है. आई विश कि जल्दी हमारी थाली में वो पककर आएगा. एंड टीना जी, अरे इनका स्ट्रीमिंग होने वाला है 8th of November को, पर कल से आई थिंक. हां परसों. हां परसों. हां क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आपकी सीरीज? I just want people to see the show. Please subscribe to Z5. 100 rupees लगेंगे सिर्फ. 100 rupees का है subscription. Please subscribe and watch our show Love Sleep Repeat. And please let us know what you think. I hope पसंद करेंगे लोग. At least youngsters बहुत पसंद करेंगे. और I hope बहुत hit हो. And watch out for this फटाका. हाँ है वो. तो एक आखिरी सवाल है, हिंदी में रियलिटी शो में काफी कुछ हो रही है. मेरी प्रतिक्रिया यही है कि मैं चैनल नहीं हूँ, मैं टीवी नहीं हूँ, मैं वो डिसीजन नहीं ले सकता. जो भी शोज मैंने किए हैं, अगर वो बंदा हारा भी है तो मैंने उनको इसलिए, क्योंकि मुझे पता है कि वोट्स आते हैं और वोट्स बहुत ही जजमेंटल होते हैं. लोग जिस स्टेट से, राज्य से वो आते हैं, तो वहाँ वो राज्य से पे डिपेंड करता है फिर कितना पॉलिटिकल पावर है कि वो वोट्स खींच कर लेके आए. सो इट्स ऑल बिग गेम देयर. यू नो यू हैव टू काइंड ऑफ यू नो इन्वेस्ट अ लॉट टू विन. ओके इन दैट इफ़ यू वॉन्ट टू रियली विन, बिकॉज इट्स वोटिंग पे ना. तो वोटिंग करने का अलग अलग तरीके होते हैं. तो जो कंटेस्टेंट्स बहुत कुछ करते हैं टू विन, बट एट द सेम टाइम जो मुझे पसंद है, जो मुझे लगता है कि टैलेंट का हकदार है, उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम प्रेस करते हैं, हम कहीं ना कहीं उनकी जगह लोगों के दिलों में बना देते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल राघव जीता नहीं, लेकिन आज सबके दिलों में छाया है. लेकिन आपने कहा हाँ, कि एक बात कि जो कंटेस्टेंट है काफी इन्वेस्ट करते हैं. एब्सोल्युटली या दे डू बिकॉज उनको जीतना है. इट्स वेरी सिंपल. सो दे डू इन्वेस्ट, दे यू नो गेट पब्लिक टू कॉल वोटिंग. बट द चैनल एंड ऑल डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज चैनल से क्या लेना देना कौन जीता है. उनको सिर्फ चाहिए कि शो अच्छा हो एंड पीपल वॉच द शो. सो दे आर नॉट कंसर्न विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इट्स द कंटेस्टेंट्स दैट समटाइम्स वी नो वांट टू विन. तो उनके होते हैं पैतरे. जैसे कंटेस्टेंट्स अभी पॉलिटिक्स में खेलता है तो वो पैसा लगाएगा ना. सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. चीयर्स. बाय बाय. So big a surprise on it, and that's why we are here to support ma'am and the show, obviously. Yeah, obviously. And being a part of Rashmi Sharma, we always support whatever she does, and jo bhi wo karti hai kuch naya hi hota hai. And I know, I've seen a bit of thoda bahut iska, jitna mujhe pata hai ki ek ladki ki kahani hai, kaise wo pyar dhoond raha hai in sab cheezon ki. Haan, matlab poster se that much I have figured. बट या आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैम का ये फर्स्ट वेंचर इन वेब सीरीज एंड ऑब्वियसली वेब सीरीज इज सो इन राइट नाउ एंड उन्होंने वहाँ पे भी हाथ डाल दिया. सो आई गेस नाउ शी इज गोइंग टू फिल इन ऑल द साइड्स. सो विशिंग हर गॉड ब्लेस एंड वेरी गुड लक. यप. ओके ओके. सो डोनाल्ड जी लव स्लीप रिपीट. सबसे ज्यादा क्या किस में बिलीव करते हैं आप? स्लीप, क्योंकि बहुत काम करने के बाद, क्योंकि हम लोग जैसे सीरियल के लोग हैं तो उनको 12 घंटे काम करने के बाद नींद आ जाती है. So that is why sleep. And then we repeat it. That's what we
we love sleep and then we repeat it. मुझे जो कैटरीना पंजाब की कैटरीना ना शहनाज आई फाइंड हर वेरी बबली एक्चुअली मतलब जेन्युइनली वो मुझे बहुत क्यूट लगती है बस फेक है वो कल उसके कान बज गए मुझे नहीं पता बट नेचुरली ऐसे मैंने थोड़े बहुत अभी तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ यार प्लीज़ मतलब इनिशियली थोड़ा मैंने जो फॉलो किया था उसमें आई जस्ट फाउंड हर क्यूट दैट्स इट मे द बेस्ट पर्सन विन या क्या आया है आई थिंक या सो देयर इज दिस गाय लाइक दिस गाय हु अब्यूजेस अ लॉट एंड ही अब्यूजेस एंड ही गॉट फेमस सो ही गॉट वायरल एंड दैट्स हाउ या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मोटा गाय या कुछ भी अजीब सा ड्रेस पहन के जेनिफर लोपेज का ड्रेस पहन के अभी हां बट देयर इज दिस गाय सो या बट आई सॉ हिज यस्टरडे एपिसोड एंड एक्चुअली इज क्वाइट एंटरटेनिंग आई होप ही डजंट अब्यूजेस सो या वेल गुस्सा करवा दे तो अब्यूज करता है तो उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है एनीबॉडी कैन बी अ स्टार नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत मतलब टैलेंट भी होना चाहिए कुछ किसी मतलब एक लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि एक टैलेंट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ऐसे भी किसी को भी स्टार बना देते हैं तो कि वो बहुत ही शॉर्ट वाइल के लिए होता है एक्चुअली नॉट फॉर एवर ओके अगर मैं दूसरे की बात करूँ रश्मि बाहर आ चुकी है काफ़ी इविक्शन हो चुका है उनका तो आर यू डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बहू थी कलर्स चैनल की उसको ही बाहर निकाल दिया हम दोनों भी कलर्स का शो कर चुके बताओ अपने व्यूज बताओ मैं क्या बताऊँ मेरी रील मम्मी बाहर आ गई है और मेरी एक और रील मम्मी अंदर ही है सो आई होप कि जो मेरी जो बाहर निकली वो वापस अंदर चले जाए बिकॉज आई थिंक रश्मि एंड दिवलीना डिड क्वाइट वेल इन द शो एंड बस बनाना है ना बिग बॉस में बस और वो उन्होंने वो बनाया सो आई होप कि वो वापस से अंदर जाए और बहुत बस बनाए एंड मुझे लगता है दोनों कलर्स के लव्ड वंस हैं एंड कलर्स जो चैनल है जो भी कलर्स को देखता है तो वो ज़रूर चाहेंगे कि वो दोनों बिकॉज बहुएँ हैं बहुएँ वापस आए हैं ऐसा जरूर चाहेंगे भाई तो सब क्वेश्चन पूछ लेंगे मतलब यू थिंक हम लोग रेगुलरली वॉच करते हैं ना सिद्धार्थ के बारे में क्या कहना चाहते हो सिद्धार्थ में आई थिंक ही इज प्लेइंग रियली स्मार्ट बट वो आई थिंक अभी उनको थोड़ा टेंपर इशू है बट ठीक है आई थिंक ही विल कीप टेक केयर ऑफ दैट ठीक है मतलब थोड़ा बहुत टेंपर वगैरह भी चलता है बिग बॉस है ये सब तो देखना चाहते हैं सब लोग अब वो ये नहीं करेंगे और कैसे चलेगा चुपचाप से रहेंगे तो कैसे चलेगा सब आप दोनों बहुत ही थैंक यू बहुत मेहनत की है हमने अगली एकता कपूर है या अगली मतलब हमारे लिए हमारे लिए एकता कपूर है उससे